नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बांदरी नगर परिषद बांदरी द्वारा आयोजित स्वच्छता संवाद एवं स्वच्छता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शनिवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह के पहुँचने पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। स्वच्छता संवाद में पधारे मंत्री प्रतिनिधि ने स्थानीय प्रतिष्ठानों के दुकानदारों का नगर को स्वच्छ बनाने में योगदान देने पर सम्मान किया। वश्री सिंह ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बांदरी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलाकर यहां पर करोड़ों रुपए के राशि के विकास कार्य चल रहे हैं। इस मौके पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं, नगर परिषद सीएमओ राजेश महतेले सहित नगरवासी व भाजपा महिला मोर्चा उपस्थित थी। मुकेश राय, बांदरी। एक पंचायत से उठा के नगर पंचायत का दर्जा उन्होंने दिया। करोड़ों की राशि आपके विकास कार्यों पे खर्च हो रही। आपके जहां देखो वहां पे विकास कार्य हो रहे। अपनी बांदरी में जगह की कमी थी। मंत्री जी ने फॉरेस्ट विभाग से यहाँ रेंजर साहब बता सकते हैं कि वो कितनी मुश्किल चीज़ है कि इनकी जमीन छुड़ाओ, बहुत मुश्किल काम है। मगर मंत्री जी का प्रयास रहा और मंत्री जी ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रयास करके हमारी नगर बांदरी के लिए जगह उपलब्ध कराई, जिससे खेल ग्राउंड, पार्क और जो सीएम राइजिंग स्कूल है उसको बनना है, तो बहुत सारी सुविधाएं जो जरूरी भी हैं वो आपके लिए। आप भैया, आज जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे स्वच्छता का, इसमें क्या क्या? ये मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का सपना है कि पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठान स्वच्छ रहें। इसके लिए एक प्रतियोगिता और सर्वेक्षण हमारी नगर पालिका और नगर निगम और नगर पंचायतों ने किया है। उसके अनुसार जो प्रतिष्ठान साफ सुथरे थे उनको सम्मानित हम लोगों ने किया है, जिससे आने वाले भविष्य में और दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी एक कंपटीशन हो, जिससे वो भी अपना प्रतिष्ठान साफ सुथरा रखें। और मंत्री जी का प्रयास है कि पूरा मध्य प्रदेश और हमारा बांदरी और विधानसभा क्षेत्र साफ सुथरा रहे, लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं और वो सब प्रयास मंत्री जी के सफल भी हो रहे हैं। भैया, और इस स्वच्छ सर्वेक्षण से इससे मैं नगरवासियों से कहना चाहता हूं कि इसमें अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इस सब में आप सबका सहयोग अगर मिल गया तो ये मान के चलो कि आने वाले समय में देश में बांदरी सबसे स्वच्छ और सुंदर नगर परिषद बनेगी। इसके लिए मंत्री जी का सपना भी साकार होगा और पूरे बांदरी क्षेत्र का जो सपना है सब लोगों का कि हमारा बांदरी अलग अलग दिखे, वो सुंदर दिखेगा।